आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। मैं आपके साथ पिंकी शाह लेकर आई हूँ आज आपके लिए कुछ खास। आज लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कुछ सफाई कर्मियों को निकाला गया, जिससे वहाँ के सफाई कर्मियों ने एयरपोर्ट के बाहर किया धरना प्रदर्शन। देखते हैं उदित राज न्यूज से संवाददाता प्रभात कश्यप की खास रिपोर्ट। बिना इन्फॉर्म के जैसे बैठाया तो बिना इन्फॉर्म को हमको 2 महीने जो सैलरी हमारी बाकी वो हमें आनी चाहिए आज। कंपनी सारी हमारी मांगे, हमारी मांगे मैंने की सैलरी चाहिए। और हम लोग का सर वो है कि दिसंबर तक हम लोग को तनख्वाह मिले बोनस के साथ। हाँ। बोनस हमारी नौकरी तो कहीं मिलेगी नहीं, इतनी हमारी सैलरी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विष्णु कुमार है, मैं बीवीजी कंपनी में काम करता हूँ। क्या पूरा मामला है जरा बताइए। मामला सर ये है कि मैं इतनी महामारी से जूझता चला आ रहा हूँ आज तक, और कल मैं अपने ड्यूटी पे आया, मेरे को कोई इन्फॉर्म नहीं दिया गया है। सडनली मेरे को 12 बजे सुपरवाइजर जी बताते हैं कि आपको ऊपर बुलाया गया है। क्या नाम है सुपरवाइजर का? सुपरवाइजर का नाम है रवि यादव। रवि यादव कि आपको मैनेजर साहब ने ऊपर बुलाया, जब हम 1:30 बजे ऊपर गए हैं तो हमको सडनली पास मेरा लेके बोलते हैं कि आज से आप लोग की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग सर रीज़न भी पूछे हैं कि सर इतनी महामारी में हम लोग ने काम किया, उनका मेरा रीज़न क्या है, मेरी गलती क्या है, तभी उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोले जाओ बस निकाल दिया तो निकाल दिया है। ये हमारे संजू मलिक का वर्ड था। संजू मलिक कौन है? ये संजू मलिक ये हमारे यहाँ ऑपरेटर हैं। अच्छा। लेकिन मैनेजर का काम करते हैं ये। किस चीज़ का ऑपरेटर है वो? मशीन ऑपरेटर। कुछ तनख्वाह भी बाकी है आप लोगों की? 2 महीने की, 3 महीने की हमारी तनख्वाह बाकी है सर। सरकार बोलती है कोई निकाला नहीं जाएगा, तो ये क्या है हमारे साथ, ये न्याय हो रहा है हमारे साथ? क्या कोई दूसरे भी लोगों को इसमें भर्ती कर रहे हैं आप लोगों? 20 दिन पहले लड़के भर्ती हुए हैं, मेरे को अभी कल ही रात में पता चला कि सबसे संजू मलिक ने 10,000 रुपए रिश्वत लेके उनको रखा गया है। आप लोग कितने साल से काम कर रहे हैं? सर हम लोग 2018 में आए थे 19 फरवरी को। आज उनको ना निकाल के हम भाइयों को निकाल दिया गया। लगभग कितने लोगों को निकाला है? 40 लोगों को निकाला है। जब इनको निकालना था तो नए को निकालना चाहिए था, लेकिन नए से तो पैसे ले रखे हैं ना, रिश्वत ले रखी है, तो कहाँ से ये निकालेंगे? धमकी देते हैं क्या? एजीएम हमारे जीजा जो जिसको जो करते बने कर लो। कौन है एजीएम? एजीएम है हमारे भूपेंद्र साहब। अच्छा, मलिक कौन है उनके एजीएम साहब के? साले साहब हैं, बोलते हैं हम उनके, वो हमारे जीजा हैं। क्या कुछ धमकी भी देते हैं? धमकी देते हैं, जो करते बने कर लो, नहीं रखना है तुम्हें। लेडीज लोग तनख्वाह के लिए पूछते हैं तो उनको बड़ा गंदा वर्ड यूज करते हैं संजू मलिक जी। नाम है आपका? काकुली। कब से काम कर रही हैं आप यहाँ? यहाँ हम 8 साल से। क्या हुआ, क्या घटना घटी था आपके साथ यहाँ पर? क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि पहले की छटाई होनी है, छटाई के बाद उन्होंने क्या कहते हैं हम लोग को निकाल के बाहर कर दिया। कब निकालने की सूचना आपको कब दी गई? हमको उन्होंने कल रात, वही सूचना पहले से नहीं मिली थी। अचानक उन्होंने कल रात को हम लोग को नाइट की ड्यूटी करवाया, सुबह कह रहे हैं 5 बजे हमको आपके अपना पास जमा कर दो, कल आना नहीं पड़ेगा, उन्होंने हमें ऐसा कहा है। तनख्वाह भी कुछ बाकी है आपकी? तनख्वाह भी काफी 3 महीने से बाकी है। तनख्वाह के लिए आपने कहा तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ नहीं बताया, जब आएगी तब आएगी, तब आएगी। किसने आपको ये मतलब नौकरी से किसने कहा है? और क्या कहा है उन्होंने? कहा है कि क्या कहते हैं आपको हम लोग बाहर निकाल दे नहीं पाएंगे, जो करना मेरा वो कर लीजिए। नए लड़के 10-15 लड़के भर्ती हुए ना, और पुराने लड़कों को हटा दिया गया है। सर अल्लाह फोन पर हम लोग कोई आपको आप लोग खिलाफ शिकायत की गई जो आपको हटाया गया कि ऐसा ही? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग रोज ड्यूटी आते हैं सर, वैसे हम लोग
छुट्टी में भी हम लोग ने ड्यूटी किया है। बताइए लॉकडाउन इस तरह के लॉकडाउन में हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या कहेंगे, बीस बच्चे हमारे क्या करेंगे। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए उदित राज न्यूज़। मैं पिंकी इजाज़त चाहूँगी, धन्यवाद।